बड़े सारे मेरे कांग्रेसी दोस्त मुझसे इस बात से नाराज़ हैं कि मैं बीजेपी को आंखें बंद करके सपोर्ट करता हूं और मुझे वो अंधभक्त कह रहे हैं। इस बात का जवाब तो मैं लास्ट में दूंगा, पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा? और अगर पढ़ा तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी से ये सवाल किया कि ये आप कास्ट सेंसिस की बात क्यों कर रहे हैं? जब संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, तो फिर ये कास्ट सेंसिस क्यों? और अगर कास्ट सेंसिस आपने करवा ही लिया, इससे पहले भी तो आपने कास्ट के बेस पे हमें डिवाइड किया है, तो फिर आप 70 सालों में जब आप मेजॉरिटी आपकी सरकार रही तो आप उन्हें हमारे बराबर पे क्यों नहीं ला पाए बाकी जातियों के हिसाब से? उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपये सालाना डालेंगे। ठीक है, आप डालिए, तो सबसे पहले ये तो बताइए कि ये 1 लाख रुपये आएंगे कहाँ से, उसके लिए आपका मनी प्लान क्या है? तेलंगाना में अभी तक क्यों नहीं आए, कर्नाटका में अभी तक क्यों नहीं आए? उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन देंगे। खुद इनकी पार्टी के 46 में से केवल 4 MP हैं, और ये कहते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी प्रिविलेजेस छीन कर हम जो है माइनॉरिटी वर्ग को देंगे। ये पहले के बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए। तो क्या जो मेजॉरिटी वर्ग है वो कम्पीट नहीं करेगा, वो खाना नहीं खाएगा? और आखिरी बात मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग 10 साल बीजेपी को सपोर्ट करके अंधभक्त हुए, तो जो लोग 70 साल से पैदाइशी ही कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कौन हुए? उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।